अमेरिका में मंदी का डर कम होने से जोश में बुल। आईटी शेयर्स की जोरदार खरीदारी से निफ्टी निकला 24,300 के पार। दिग्गज रिलायंस का भी मिल रहा है सपोर्ट। इधर बैंक निफ्टी भी 450 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा। स्मॉल कैप और मिड कैप में रौनक ज्यादा। अच्छे नतीजों के बाद टॉप गियर में आइशर मोटर 4% की तेजी के साथ बना वायदा का सबसे बड़ा गेनर। उधर दूसरे ऑटो शेयर्स में भी रफ्तार। टाटा मोटर्स, M&M, अशोक लीलैंड में भी 3-4% की तेजी। रियल्टी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। लोढ़ा, ओबराय, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 2-3% का उछाल। नतीजों से पहले ग्रासिम 3% ऊपर। 72% घट सकता है कंपनी का मुनाफा। साथ ही सीमेंस, ट्रेंट, बर्जर पेंट, जुबिलेंट फूड समेत वायदा की 11 कंपनियां पेश करेंगी अपने रिजल्ट्स। फ्लैट लिस्टिंग के बाद ओला इलेक्ट्रिक ने पकड़ी रफ्तार। इश्यू प्राइस से करीब 12% ऊपर कर रहा है कारोबार। 76 का था इश्यू प्राइस। तो आज सोशल मीडिया का दिन है और आप हमारे ट्विटर हैंडल पे फटाफट अपने सवाल भेजिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जो अवेलेबल हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल अपने शो में शामिल कर सकें और आपके सवालों का जवाब भी दें। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सर्वेंद्र जी से पहले एक बार थोड़ा मार्केट पर चर्चा की जाए। 200 पॉइंट ऊपर के साथ 24,337 पर निफ्टी और 372 पॉइंट की मजबूती के साथ 50,500 पर बैंक निफ्टी। मिड कैप में भी बढ़िया तेजी है और इसलिए एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर 1:2। सरवन जी, मार्केट ने वो लेवल आपका पार कर लिया क्या, 24,300 वाला आप कह रहे थे? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। हफ्ते का एंड है, देखिए आज का वीकली क्लोज बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो फिलहाल तो देखिए जिस तरह का ये सेटअप आया है, आई थिंक आज का बार तो वीकली तो आपको क्लोज नेगेटिव ही मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे, एक तो येन का कि भाई येन में एक बाउंस बैक लग रहा है 146-147 का। तो देखिए जैसे येन संभला है आपको एक डिसेंट बाउंस बैक मार्केट्स में दिख रहा है। बट देखिए नीरज जी, वो जो गैप एरिया है हमारा 24,500 के आसपास, जो हम ऊपर से गैप डाउन हुए, हम 24,700-750 और नीचे में 24,500 का जो गैप डाउन हुआ हमारा, जो पहला दिन जब बड़ी गिरावट आई थी, तो आई थिंक वो गैप एरिया, बेरिश गैप एरिया है, वो अभी भी फिल नहीं हुए हैं। यस, शॉर्ट टर्म में ये 24,300 वाला एक लेवल था, उसके ऊपर बाजार ट्रेड हो रहा है। बट आई थिंक लार्जर जो बड़ी कड़ी जो फंसी हुई है वो 24,500-24,600 में फंसी हुई है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वहां पे वो बेरिश गैप है जो मैं बोल रहा हूँ, और लास्ट 4 दिन की ट्रेडिंग उसी के नीचे हो रही है। तो आई थिंक अगले हफ्ते में और क्लैरिटी आएगी, बट ये हफ्ता तो नेगेटिव बंद होता हुआ प्रतीत ही हो रहा है, और प्लस उन लेवल्स के फिलहाल तो नीचे है। तो येन में एक बाउंस बैक है, बट मंडे को उसका फॉलो थ्रू सब जगह चाहिए। तो अब डाओ का फॉलो थ्रू आज हमको दिखेगा शाम में, बट हम बंद रहेंगे। तो आई थिंक मंडे का फॉलो थ्रू हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेग का अगर फॉलो थ्रू आया तो यस, ऊपर में हम 24,500-24,600 तक और 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट और यहाँ पे निफ्टी पे जगह हो सकती है। बट आई थिंक आज के लिए उन लेवल्स पे आ गया है। बहुत सारे लोग सवाल भेजना शुरू कर चुके हैं, यहाँ पे खूब सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल लेते हैं पहले आइशर मोटर्स पे। जी, रड़िया नतीजे आए, लोगों को पसंद आया, स्टॉक 5% ऊपर और तेजी बढ़ती जा रही है, 4788 पर हो गया, टॉप गेनर में है जी। ठीक लग रहा है आयशर? नहीं, बढ़िया है। देखिए बाजार के गिरावट के साथ ही, मतलब निफ्टी के साथ परफॉर्म किया है, ये यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। जब जब निफ्टी ने हाई मारे हैं, ये स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया है, ऑलमोस्ट लास्ट लेग तक निफ्टी के साथ चला है, और ये इन्वर्जन भी जो आया है, ये जो करेक्शन चल रहा है वो भी निफ्टी के साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए उतना खराब सेटअप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतने बड़े गैप्स नहीं है। जैसे निफ्टी में आपको एक बड़ा गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है डेफिनेटली, जो गैप डाउन हुआ था बाजार, तो उस दिन ये भी गैप डाउन हुआ था तकरीबन 48-50, 48-80 के बीच में, वो कहीं वो गैप है आईशर के लिए। तो आई थिंक उन्हीं गैप एरियाज के पास ये पुल बैक, अगेन यहाँ पे भी वही है। तो थॉट यही है कि यस, शॉर्ट टर्म में सेटअप्स ठीक है, आज एक बुलिश गैप आ गया है रिजल्ट्स के बाद, बट मंडे को फॉलो थ्रू, आई थिंक एक फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा इस मार्केट में, मंडे में फॉलो थ्रू आना जरूरी है। कारण यही है कि वीक का बंद नेगेटिव आ रहा है, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। अभी तो फिलहाल टाइम बाकी है, बट 3:30 तक लग रहा है कि वीक का क्लोज नेगेटिव आएगा जी। ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं फटाफट। आशीष का सवाल, आशीष श्रीवास्तव, इनके दो सवाल है जी। एक तो IEX का है, 150 शेयर्स हैं इनके, 227 के भाव पर, और दूसरा है सामी होटल्स, 150 शेयर, 203 का। सामी का चार्ट थोड़ा छोटा होगा जी, बताइए दोनों में क्या करना है। देखिए IEX में पहले इनको बोल देता हूँ, जहाँ पे
डेटा सेटअप्स हैं, मतलब जहां पे डेटा है मीनिंगफुल। देखिए पुलबैक्स करके जो हमें इनिशियली टारगेट्स लगे थे यहाँ पे वो तकरीबन आए हुए हैं यहाँ पे, तो 200-205 के ऊपर अब नए समीकरण खुलेंगे विद इन दिस आई थिंक 140 से 200 का जो रेंज इनिशियली लग रहा था वो रिस्टोर्ड पूरे हो गए। तो दो ऑप्शन है, या तो थोड़ा मुनाफा यहाँ बांधे या एल्स बड़ा एग्रेसिवली एक स्टॉप लॉस ट्रेल करें 184 पे और 1 से 3 महीना बने रहे। अगर ये 200-205 का ब्रेकआउट हो जाता है नेक्स्ट वीक तक तो ये ट्रेड में बने रह सकते हैं, अन्यथा अगले हफ्ते तक इनको मेरे हिसाब से थोड़ा निकलने और मुनाफा बांधने की कोशिश यहाँ करनी चाहिए। और वो दूसरा वाला शामी होटल्स, देखिए वहां पे मैं, मेरे पास इतना कम डेटा है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ इसके बारे में, तो आज के लिए सर माफी चाहूंगा, पास करना पड़ेगा मुझे इसको। ठीक है, अभिषेक अग्रवाल का सवाल, सन फार्मा में 1720 का कॉल 37.30 रुपए पे लिया है, होल्ड करें या एग्जिट करें, स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। देखिए यहाँ पे मेरा तो थॉट ये रहेगा सन फार्मा में कि भाई देखिए डिफेंसिव है, थॉट हमारा यही था कि फार्मा एफएमसीजी में अभी भी कहीं जगह बची होगी तो डेफिनेटली यहाँ थोड़ी जगह बची है। थॉट ये है कि जब तक मोमेंटम में है आप ट्रेड में बने रहिए। देखिए टाइम में आप पिसेंगे तो मैं कह रहा हूँ हफ्ता 10 दिन से ज्यादा, हफ्ता भर आप नेक्स्ट हफ्ता और चाहिए तो ले लें। मेरे हिसाब से अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं, मोमेंटम बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि 1780-1790 के टारगेट्स आने चाहिए, तो इनका इनका जो स्ट्राइक है वो इन द मनी रहेगा ऐसा मेरा मानना है। तो आई थिंक फिलहाल ट्रेड में बने रहें, फिलहाल ट्रेड में बने रहिए। प्रीति झा फरीदकोट पंजाब से हैं, इनके पास एफएल इंडिया के शेयर हैं और इन्होंने 1100 बहुत तेजी से नीचे गया है, 1158 पे खरीदे हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए यहाँ पे आई थिंक सेटअप्स अच्छे बने हुए हैं और देखिए गिरते बाजार में भी आज भी कहीं नए हाई रजिस्टर कर रहा है, ब्लू स्काई टेरिटरी में है और ऐसे सेटअप्स में आई थिंक थॉट यही है कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल करें और फिलहाल 1 से 3 महीना ट्रेड में और बने रहें। मुझे जो लग रहा है जो सेफ एरिया जो पिछले ब्रेकआउट थे 1400-1425 वाले, उन एरियाज के नीचे कहीं एक स्टॉप लॉस रखें ट्रेलिंग और ट्रेड में बने रहें। ओके, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग बने रहें। एक जेजी केमिकल है आपके चार्ट में है क्या कहीं? जेजी केमिकल सर, जे डॉट जी डॉट केमिकल, मैं कोशिश कर रहा हूँ। 333 का प्राइस है जी, आई थिंक देखिए डेटा यहाँ पे मार्च से ही है, इसी साल से आई थिंक कहीं इसकी लिस्टिंग है, डेटा बहुत कम है बट यस फिलहाल तो चल रहा है, तो किसी के पास है तो बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ओके, है तो इसमें बने रहिए, उसका इस्तेमाल करिए। ओके, अगला सवाल है गुजरात गैस पे, गुजरात गैस ले रखा है 600 रुपये के प्राइस पे जी, और अब इनकी चिंता ये है कि नतीजे भी अच्छे नहीं आए थे, तो क्या करें, इसमें बने रहें या नमस्ते कर दें? देखिए कॉस्ट के आसपास ही है तो थॉट यही रहेगा, देखिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, वॉल्यूम्स कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, बट मुझे लग रहा है एनर्जीज में थोड़ा प्रेशर है ओवरऑल। आप देखिए जिस तरह से बाजार पलटा है, क्रूड रूट जिस तरह से पलटा है, आई थिंक एनर्जी कॉम्प्लेक्स में रॉ मटेरियल में भाव बढ़ते रहेंगे, थॉट मेरा यही है। आई थिंक मेरी तो राय रहेगी कि भाव के आसपास है, चाहे तो एक बार निकल जाए, नीचे में दोबारा मिले अगर 520-530 में तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है 520 का रिस्क यहाँ पे, 520-530 ऐसा रिस्क मुझे लग रहा है, तो निकलेंगे तो नीचे के भाव से मिलेगा। ओके, वीरेश्वर पवार ने एचएएल का कॉल लिया है 5200 वाला 45 रुपए पर, और एक तो ये सवाल है, दूसरा ये कह रहे हैं कि क्या पिडिलाइट पे करंट प्राइस पे लॉन्ग जाया जा सकता है? देखिए एचएएल का तो बहुत दूर का कॉल है इनके पास, मुझे जो 5200 का स्ट्राइक तो बहुत दूर है मेरे ख्याल से, इन द मनी होना मुझे नेक्स्ट 15 दिनों में जरा मुश्किल लग रहा है फिलहाल, तो आई थिंक मेरी तो राय रहेगी कि कहीं उछालों में इसमें से निकले, इन द मनी नहीं होएगा इनका स्ट्राइक, प्रोबेबिलिटी कम है, 10-20% प्रोबेबिलिटी कभी इन द मनी हो गया बट 70-80% प्रोबेबिलिटी है मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 दिनों में नहीं होगा, तो यहाँ उछालों में मेरी राय रहेगी निकले। जहां तक रही पिडिलाइट की बात, यहाँ मेरा थॉट तो वही है जैसे मैंने बोला, एफएमसीजी प्लेयर्स मुझे ठीक लग रहे हैं एज डिफेंसिव, मार्केट को थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट के साथ, तो डेफिनेटली आई थिंक अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं बट थोड़ा थोड़ा एसआईपी के साथ इसमें निवेश शुरू कर सकते। ओके, तो और संजय बंसल, इनका इन्होंने सवाल लिखा है कि इनके पास इलेक्ट्रा ग्रीन के 300 शेयर हैं 1650 के प्राइस पे, क्या करना चाहिए? देखिए बहुत ही स्पाइकी शेयर है, वॉल्यूम्स कभी होते हैं 4-5 लाख, कभी ड्राई हो जाते हैं, मतलब एवरेज एक, और कभी कभी बड़े वॉल्यूम्स भी होते हैं यहाँ पे, 50-60 लाख के भी वॉल्यूम्स दिख रहे हैं बट नॉर्मल वॉल्यूम्स हमें 4-5 लाख के होते हैं, तो जो स्पाइकीनेस है उससे कंफर्ट नहीं आता, तो ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है मेरे हिसाब से रेगुलरली, बट अब ट्रेड में है तो मेरे ख्याल से बने रहे,
क्योंकि ऑलरेडी ट्रेड में, इसलिए मैं इनको बोलता हूँ 1520 के स्टॉप लॉस थे, चाहे तो बने रहे, उन एरियाज के आसपास सपोर्ट आता है यहाँ पे, तो आई थिंक 1520 के स्टॉप लॉस है, चाहे तो ट्रेड में बने रहे क्योंकि स्टॉक जो है अभी सपोर्ट एरियाज के आसपास ही है। ओके, केसर का सवाल इन्होंने लिया है, ट्रेंट 1410 पर होल्ड या सेल? ट्रेंट लिमिटेड राइट, ट्रेंट हाँ 1400 की इनकी कॉस्टिंग है, फिर इनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर मैंने बराबर राइट सुना है तो। हाँ राइट, 1400 में ही लिया ना। देखिए मेरी राय तो रहेगी कि 1/3 मुनाफा बांधे यहाँ पे और बाकी 2/3 में खड़े रहे, एकदम फ्री हो जाएगा इनका, तो मेरे हिसाब से 1/3 मुनाफा बांध ले, कैपिटल निकाल ले, ड्राई पाउडर थोड़ा रखें। देखिए जैसे इस तरह से भी मार्केट में लास्ट 2-4 दिन जिस तरह की गिरावट थी, अगर पैसे ड्राई पाउडर पे होते तो थोड़ा कुछ और ले सकते थे, डाइवर्सिफिकेशन ये तो इनका खड़ा ही रहेगा 2/3, बट आई थिंक ड्राई पाउडर बना ले, कैपिटल निकाल ले और फिर कुछ इसी तरह का दूसरा पकड़ने की कोशिश करें। ओके, कुछ इसी तरह का दूसरा कुछ है क्या, बताओ है अगर तो? सर अभी तो जैसे मैंने लास्ट शो से बोला था, रिस्क रिवॉर्ड ऐसे दिख रहे हैं कि 70-80% स्टॉक्स में बढ़िया बुलिश रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन पा रहे हैं, वो एक दुविधा बनी हुई है। रिमेनिंग 10-20% बास्केट में पिक करने जाऊंगा तो फिर मुझे मालूम है कि आई एम प्लेइंग अ लूजिंग गेम, मतलब ज्यादा स्टॉप लॉसेस होने का डर है और टारगेट्स कम आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आई थिंक 2-3 महीना वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। आई थिंक ये क्लैरिटी हो जाए कि नेक्स्ट 2-3 बड़े जो इवेंट्स आ रहे हैं, US elections, Fed meeting, उसके बाद BRICS का जो मीटिंग है, आई थिंक सबसे बड़ा मेरे लिए मार्कर वही है कि जो अक्टूबर में आई थिंक 22 या 24 को BRICS की मीटिंग है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि सुगबुगाहट ये है कि कोई करेंसी एक लॉन्च हो सकती है कमोडिटी बैग, सो यू नेवर नो चाइना और रशिया के मूड में क्या है ये तभी पता चलेगा। यार आप कह रहे हो 2-3 महीना वेट कर, 2-3 महीना पता कितना लंबा समय होता, काटना मुश्किल हो जाएगा। सर देखिए यही तो पेशेंस है ना, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अ पेशेंस गेम। एक रिस्क रिवॉर्ड का जब बड़ा सिनेरियो बनता है, 8 साल का बुल मार्केट आएगा तो लास्ट 8-12 महीने में आपको कभी जब पैनिक है कोविड जैसा तो आपको उस समय लेने की 6-8 महीने सोचनी है, बाद में जब टॉप के आसपास होंगे आप, एक 8-10 साल का बुल मार्केट प्ले आउट होगा तो 6-8-12 महीने आपको बेचने की सोचनी है और उसमें भी पेशेंस से फिर खड़े रहना है ताकि आपका आपका जो भी आपका हाइपोथेसिस अगर प्ले आउट नहीं हो रहा तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज यू थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ट्रैक ही चेंज करना है तो आप करिए, बट जब तक आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो काफी स्ट्रेस्ड है मार्केट और थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, बेटर रेट्स मिल सकते हैं तो मिल जाएंगे। देखिए अभी मिड कैप्स का क्या हुआ, 3-4 दिन में हाल 10-10% भी गिरे तो 30% 3 दिन में गिर गए, जो साल भर में कमाया 6-12 महीने में जो कमाया है वो 1-3 दिन में चला जाता है, तो वो समझना बहुत जरूरी है कि भाई रिस्क भी है बाजार में, रिस्क फ्री नहीं हुआ मार्केट, NSE ने अपने सर्विस हटाए नहीं है, वो है लगते हैं जब बाजार गिरता है। जी ओके, चलिए छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में आ रहा, सोशल मीडिया से आपके सवाल लिए जा रहे हैं और अगला सवाल हेमंत कुमार अरोड़ा का है। अरोड़ा साहब ने जुबलेंट इनग्रेविया के 200 शेयर लिए 701.09 रुपए पर, गाइडेंस चाहते हैं सरवेन जी, क्या करना चाहिए इसमें अब? जी देखिए बढ़िया सेटअप में, बढ़िया मोमेंटम अभी तक स्टॉक चल रहा है, बाजार की नरमी का यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ है, तो आई थिंक जैसे मैंने अभी इसके पहले किसी ऐसे स्टॉक में जो ऑलमोस्ट ग्रीन जोन में चल रहा है, ब्लू स्काई ट्रेटरी तो पूरा नहीं पहुंचा है बट बाजार के साथ गिर नहीं रहा है इस लेग में, तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें मेरे हिसाब से यहाँ पे, और मुझे जो अब सेफ एरियाज दिख रहे हैं स्टॉप लॉस लगाने के इमीडिएट तकरीबन 650 के नीचे दिख रहे हैं, और अगर उससे थोड़ा सेफ लगाना चाहें तो इनको 600-610 के आसपास जाना पड़ेगा, अगर वो स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, एटलीस्ट 650 के नीचे स्टॉप लॉस बना के 15 दिन से 1 महीना मेरे ख्याल से वेट कर लें यहाँ पे और उसके बाद दोबारा चाहे तो राय ले लें। ओके, कुबेर नारायण शर्मा का सवाल, और इन्होंने दो सवाल एक्चुअली पूछे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने लिया 249 रुपए पर और रिलायंस लिया इन्होंने 2473 रुपए पर जी। 3 साल का नजरिया है, 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, 6 महीने का अब आगे नजरिया है। देखिए बहुत बढ़िया, अगर केस स्टडी इसको एक्स्ट्रा इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा करके इनको बताएं कि जब इनका इनका 3 साल में सब खाली 6 महीना बचा, मतलब इन्होंने इनिशियली 3.5 साल का व्यू लिया था, तो आई थिंक उस एंगल से आपको इसको बाजार को पूरे रिस्क रिवॉर्ड के एंगल में देखना पड़ेगा कि भाई हाँ 3 साल में बाजार नीचे में क्या जा सकता है या स्टॉक नीचे में क्या जा सकता है क्या ऊपर में क्या जा सकता है, तो आई थिंक विद इन हिज जोन कि भाई ये 3-3.5 साल के रिस्क रिवॉर्ड में आई थिंक रिलायंस ने 3200-3300 का जो एरिया 3200 के जो लेवल्स किए थे आई थिंक ये काफी बेस्ट केस रिलायंस के लिए था, तो मेरी तो राय रहेगी क्योंकि इनके पास खाली 6 महीने बचे हैं तो रिलायंस के केस में बाउंस बैक पे फिर इनको निकलना चाहिए क्योंकि इनकी टाइमलाइंस भी पूरी हो चुकी हैं और पैसे इनके ठीक ठाक 3 साल में बने हैं तो इनकी टाइमलाइंस पूरी हो रही है, तो स्टॉप लॉस 2 तरीके के होते हैं देखिए सर, एक टाइम वाइज और एक प्राइस वाइज, टाइम आपका पूरा हो रहा है तो भी आपको निकलना है,
प्राइस आपका किसी कारण से कट रहा है या पूरा हो रहा है तो भी आपको निकलना है। तो इनका टाइम पूरा हो रहा है, रिलायंस में नो ब्रेनर है, बाउंस बैक में निकले, बीएल में भी नो ब्रेनर है। आई थिंक तीन साल के हिसाब से पिछले तीन साल में स्टॉक 100 वाला 300 हुआ है, ठीक है, तो नॉट इवन तीन साल में ये हुआ है। और तीन साल का अगर मैं इसका देखता हूँ तो ये 50 रुपए वाला स्टॉक जो है 300 रुपए हुआ है, तो वहां पे भी अच्छे टारगेट्स आए हुए हैं, फैंटेस्टिक मनी मेकिंग है इनकी तीन साल में बीएल में। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर ये तीन साल से इसको होल्ड करके बैठे तो थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए, एटलीस्ट कैपिटल अपनी लेके जाए और ड्राई पाउडर रखें। इनफैक्ट बीएल के केस में तो मैं इनको बोलूंगा आधा बेचें, हमेशा के लिए फ्री हो गया तीन साल से अगर खड़े हैं तो, और बाकी पैसा ड्राई पाउडर रखें इस साल में या अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट हाफ में, इनको अच्छे मौके लेने के लिए मिलेंगे, ऐसा मेरा अभी भी मानना है। ओके, ड्राई पाउडर शब्द बहुत यूज करते हैं सर्वेश, इसका मतलब होता है थोड़ा पैसा रखें अपने पास जिससे कुछ मौका आए तो खरीद सकें। रवि कुमार भगत जी का सवाल बंगलुरु से है, अडानी इंटरप्राइजेस की 3200 वाली कॉल ली है इन्होंने 97 रुपये पर और टाटा पावर की 420 वाली कॉल ली है इन्होंने 14.50 रुपये पर, जी बताइए क्या करें। देखिए कॉल वाला जो गेम होता है ना इसमें टाइम में पिसते हैं, प्राइस वाइज तो हम काफी क्लियर रहते हैं कि भाई प्राइस यहां से वहां, टाइम इज ऑलवेज अ स्लाइटली गेस्टिमेट, एस्टिमेट उसको नहीं बोलते, थोड़ा गेस्टिमेट है। और ये भी ये अगस्त का महीना इनका कट जाएगा इसमें, तो मेरी थॉट तो देखिए ये है कि इनको मैं स्पॉट के प्राइसेस में अदानी में स्टॉप लॉस बोलता हूँ भाई, जब तक अदानी इसके ऊपर टिका हुआ है तकरीबन 3000 के ऊपर टिका है तब तक तो ये ट्रेड में बने रह सकते हैं, बट 3000 के नीचे गया तो मुझे लगता है फिर इनको उस ट्रेड में से जो भी भाव हो सामने स्क्रीन पे उस पर निकलना चाहिए। टाटा पावर के केस में मुझे जो वीकली सेटअप्स लग रहे हैं वो मुझे काफी वीक लग रहे हैं, तो यहाँ तो मेरी राय रहेगी कि भाई अपना पैसा ना वेस्ट करें, टाइम वैल्यू में इनका पैसा पिस जाएगा, वीकली क्लोज उसका मुझे काफी नरम लग रहा है, तो उस केस में लगता है कि एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं चलेगा तो निकल जाए, क्योंकि आपका आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो पिस जाएगा और पिट जाएगा टाइम वैल्यू में। राइट, रोहित अग्रवाल ने मैनकाइंड फार्मा खरीदा है कल जी 2040 के भाव पर 60 शेयर, 2 साल तक रखेंगे ये? देखिए मैनकाइंड फार्मा में आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट्स हुए थे और उसके बाद इसका डेटा खाली 2023 से दिखता है यहाँ पे, तो उस पर्टिकुलर डेटा में अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा रीड करने के लिए नहीं है, बट हाँ इतना बोल सकता हूँ कि जो ये इस बार जो भी पलटा है यहाँ से तकरीबन 1950-2000 का जो इसका एरिया है वो बहुत क्रूशल है, तो 1940 के स्टॉप लॉस से अगर चाहे तो बने रहे और 1 से 3 महीना और दे दें, चाहे तो दोबारा राय लें 2-3 महीने बाद, थोड़ा और प्राइस डेटा आएगा कुछ पैटर्न दिखेंगे तो बताएंगे, बट फिलहाल 1940 का स्टॉप लॉस एंड होल्ड। 1940 का स्टॉप लॉस और होल्ड, ये बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, मैं कहूँ 1.5 साल पहले की लिस्टिंग भी होगी जी। चलिए अगला सवाल है विकास कुमार का, इरेडा, इरेडा का तो चार्ट मिल जाएगा आपको, 255 पे लिया है इन्होंने जी, क्या करना चाहिए? देखिए डार्लिंग स्टॉक है ये भी है, डेटा 2023 से है लेकिन एकदम डार्लिंग स्टॉक रहा है, सबके जबान पे रहता है और मैंने हमेशा बोला कि इन सब चीजों में क्या है, दोनों तरफ रिएक्शन बहुत शार्प होते हैं, तो देखिए फिलहाल ट्रेड में बने रहे क्योंकि लास्ट 2-3 हफ्तों से तो पिस रहा है और आई थिंक एक छोटा करेक्शन तो मुझे लग रहा है कि भाई एटलीस्ट यहाँ पूरा हुआ पड़ा हुआ है, तो आई थिंक जब तक 230 के ऊपर है तब तक बने रहे, तो आई थिंक 228-240 के स्टॉप लॉस से बने रहे 15 दिन से 1 महीना और नेक्स्ट महीने में जरूर अगर ये नहीं चलता तो थोड़ा इसमें से निकलने की कोशिश करें। ओके, वरुण ने निफ्टी की कॉल ली है 25,000 वाली जी 46.95 पर जी, मिलेगा टारगेट? देखिए बिल्कुल मिल सकता है नीरज जी, बट उसके लिए मैंने बोला ना वो जो हमने बेरिश गैप छोड़ा हुआ है हमने ये 24,700 से लेके तकरीबन 24,450-500 की रेंज में जो हमने ये बैरिज गैप छोड़ा हुआ है अभी, ये जो हम गैप डाउन खुले 4 दिन से उसके नीचे ही है, आई थिंक ये गैप भरता तो बाजार उस तरह का मोमेंटम पकड़ता, बट मुझे अभी तो फिलहाल सेटअप देख के नहीं लग रहा है कि वो गैप इमीडिएटली भरेगा, तो एक हफ्ता अगर और पिस गया इनका तो इनका प्रीमियम और कम हो जाएगा, थोड़ा इनका प्रीमियम पिस जाएगा, तो मेरी तो राय रहेगी कि भाई एक हफ्ते में तो मुझे नहीं लग रहा कि वो टारगेट्स आएंगे, एक हफ्ते का अगर आप टाइम वैल्यू भरना चाहते हैं तो ट्रेंड में बने रहें, अन्यथा मेरी राय तो रहेगी कि निकल जाएं, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक ऑप्शंस हमेशा मोमेंटम का प्ले होता है, क्लैरिटी ले लें फिर ऑप्शंस खेले तो तुरंत पैसे बन जाते हैं, अन्यथा आप लेके बैठे रहेंगे और टाइम वैल्यू में नुकसान करते रहेंगे। ओके, अच्छा इस बीच एक खबर है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है और ये 1.5 साल बाद उनको बेल मिली, 18 महीने तक वो जेल में थे और अब उनको जमानत मिल गई है, शराब घोटाले वाला मामला चल रहा है अभी भी लेकिन फिलहाल उनको बेल मिल गई है। चलिए अच्छा अगला सवाल कपिल का है, इन्होंने सेल MCX 4400 कॉल लिखा है, मतलब कॉल राइट किया इन्होंने 164 पर जी।
ठीक किया क्या इन्होंने? स्ट्राइक क्या बोली इन्होंने सर, स्ट्राइक इनकी मिस कर गया मैं। 4400। नहीं देखिए फिर स्ट्रॉन्ग स्टॉक चूज कर लिया है, स्ट्रॉन्ग अभी देखिए बाजार के साथ गिर नहीं रहा है, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक यहाँ पे चूज कर लिया है कॉल राइट करने के लिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो स्ट्रैटेजी सही नहीं है क्योंकि स्टॉक में अभी तक भी कोई, जब पूरा बाजार इस हफ्ते वीकली नेगेटिव क्लोज करेगा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी ऑफ द मार्केट, जब इंडेक्स को मिला के भी सब वीकली नेगेटिव क्लोज आने वाला है ऐसा लग रहा है, उस समय ये लास्ट दो हफ्तों से अपने गेंस को पकड़ के रखा हुआ है, तो आई थिंक बहुत टाइट इन्होंने बहुत पास का बेचा हुआ है। मेरी तो राय रहेगी कि थोड़ा अगर बेचना भी है तो थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाए हमेशा, अगर आप स्ट्रॉन्ग कोई स्टॉक में अगर आप देख रहे हैं और आप देखें कि उन एरियाज में आपका कोई टारगेट आ रहा है या आपको लग रहा है वहां अटकेगा, तो मुझे तो फिलहाल एमसीएक्स में ऐसा ऊपर के टारगेट्स को ही नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे अटकेगा, क्योंकि अभी तो ये चल ही रहा है और है ब्लू स्काई टेरिटरी में, तो ब्लू स्काई टेरिटरी वाली चीज का आप कॉल क्यों लिखेंगे, एज अ थीमेटिक सबके लिए बता रहा हूँ, इनके माध्यम से सबको बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का कॉल नहीं लिखेंगे और वीक स्टॉक्स का पुट नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनमें दोनों तरफ एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। ओके मृत्युंजय पांडे का सवाल है, IRCTC के 10 शेयर हैं 1025 में जी, कुछ बताइए। कुछ बताइए तो सर बहुत ओपन एंडेड हो गया ऐसा उन्होंने लिखा, मैंने कहा पूछ लेता हूं कुछ। नहीं देखिए देखिए ये स्टॉक एक जमाने में आपको याद हो डार्लिंग था, जब पिट रहा था तो ये डार्लिंग था, लोग आके पूछा करते थे कि क्या करें क्या करें, तब सबको हम यही बोलते थे धैर्य रखिए 650-650 वो एरियाज पे, उन एरियाज पे 600-700 के बीच में, जब भी मेरे से पूछा गया IRCTC मैंने सबको बोला धैर्य रखिए, अगर 12-18 महीने का धैर्य है तो भाव भी आएंगे टारगेट भी आएंगे, नया हाई नहीं मार पाया है इस मार्केट में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों को ध्यान रखना है, 2021 का ही इसका हाई है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये समझने के लिए कि अभी भी वो स्ट्रेंथ स्टॉक में नहीं है जो बाकी उन स्टॉक्स में थी जो बाजार के साथ चले और नए हाईज मारे। तो मेरी तो राय यही रहेगी कि भाई देखिए अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है तो एक हफ्ता और देख लीजिए और मेरे हिसाब से 900 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, किन्हीं कारणों से उसके नीचे जाता है तो क्या 100-125 रुपए इसमें से और शेव ऑफ हो सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन 900 तोड़ेगा, अगर तोड़ेगा तो 780-800 का भाव आएगा, तो आप बेच दीजिएगा 900 में और आपको फिर शायद नीचे लेने के लिए 100-125 रुपए नीचे इसको आपको लेने को मिल जाए। ओके ऋषभ द्विवेदी का सवाल है, चंबल फर्टिलाइजर तो 540 वाला कॉल लिया इन्होंने 20 रुपए का और GMR इंफ्रा का 102 रुपए वाला लिया 535 पर। सर आज कॉल वाले ज्यादा आ रहे हैं बट ऑप्शन वाले लोग, माहौल मार्केट का तेजी है तो सब आ गए तुरंत लौट। नहीं लेकिन देखिए अभी सभी का आप भी पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सभी ने भी पेपर निकाला है भाई, एफएलओ में ऑप्शन में कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा लोगों के पैसे बनते नहीं है और ये सब तो हाई बीटा स्टॉक्स हैं, इनमें कॉल पुट करना इज अ स्पेशलाइज्ड जॉब, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद इनकी इसमें महारत है, तो मेरे हिसाब से देखिए मैं इनको स्पॉट के लेवल्स दूंगा, अगर कॉल लेके खड़े हैं तो स्पॉट पे एक स्टॉप लॉस रखें, किन्हीं कारणों से अगर स्टॉक 505 के नीचे फिसलता है तो आपका ऑप्शन का जो भी भाव हो मेरे हिसाब से आपको निकलना चाहिए, 505 के नीचे बंद आया जिस दिन उस दिन आप इस ऑप्शन में से चंबल वाले में से एग्जिट करिए। GMR में मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है तो मैं वो माफी चाहूंगा इनसे, उसको पास करता हूँ। जो लोग भी ये कॉल में या पुट में खेल रहे हैं ऑप्शंस में वो बहुत ध्यान लगाएं और अपना स्टॉप लॉस ज़रूर फॉलो करें क्योंकि मार्केट बहुत ही रिस्की है इस वक्त। और जाते जाते बता दूं ओला इलेक्ट्रिक की जो भी लिस्टिंग हुई आज 16% ऊपर है इस समय, 88.18 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। सरन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए दर्शकों की। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।